everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग DBMS की क्लास डिस्कस करेंगे. DBMS की क्लास 30th डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हम 29 क्लासेस इसकी डिस्कस कर चुके हैं. आज डिस्कस करेंगे ER डायग्राम फॉर हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का ER डायग्राम कैसे बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस वजह से मैं इसको भी कराऊंगी. एक ER डायग्राम मैं इसमें का एक और करा दूंगी. बट उससे रिलेटेड अगर आपको कोई और दूसरा ER डायग्राम समझना हो, या कोई दूसरा ऐसा जो आपके एग्जाम्स में आया हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगी. ठीक है, तो क्लास 30th में हम लोग ER डायग्राम फॉर हॉस्पिटल डिस्कस करने वाले हैं. इसमें पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, एक पेशेंट होगा, ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटल है तो पेशेंट होगा, डॉक्टर होगा. ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो ट्रीट कर रहा है किसको, पेशेंट को. पहले इतना समझिए. ठीक है, डॉक्टर जो है वो ट्रीट कर रहा है किसको, पेशेंट को. ठीक, अब मैं डॉक्टर के बारे में पहले स्टार्ट करती हूँ. देखिए, डॉक्टर अगर है तो उसका डॉक्टर ID भी होगा, ऑब्वियसली बात है. एक हॉस्पिटल में उसका डॉक्टर नेम होगा, कुछ नाम होगा उनका, वो एड्रेस होगा, और उनका क्वालिफिकेशन होगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ का, अगर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है या पर्टिकुलर सर्जरी करनी है, तो इनके पास उसकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी भी चाहिए. ऐसे नहीं कि आप जस्ट ग्रेजुएशन पास या लाइक ऐसा कुछ भी करके आके आप ऑपरेशन कर लोगे या आप पेशेंट को ट्रीट कर लोगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए. तो भाई डॉक्टर जो है वो ट्रीट करेगा, तो ट्रीट करने के लिए जिस दिन भी ट्रीट करेगा उसका क्या होगा कि वो कौन सा ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या डेट है और क्या टाइम है, किस टाइम पे कर रहा है, किस डेट पे कर रहा है. तो उसके बाद वो जब पेशेंट को ट्रीट करेगा तो पेशेंट के पास ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. दैट इज़ पेशेंट नंबर होना चाहिए, पेशेंट नंबर होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, भाई पेशेंट का नाम कि किस इंसान को कर रहे हैं, उनका एड्रेस होना चाहिए, उनका DOB होना चाहिए, कब पैदा हुआ, उनकी एज क्या है, और उनकी हिस्ट्री भी कि इससे पहले उनको क्या क्या दिक्कतें हो चुकी हैं, क्या बीमारियां हैं, या ये जो बीमारियां इससे क्या है. तो क्योंकि दैट कि अगर हम कुछ सप्लीमेंट या कुछ इंजेक्शन या कुछ करते हैं तो उससे हमें पता चले कि हम उनको कौन सा इंजेक्शन या कौन सी दवाई दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते. तो हिस्ट्री पता होना पेशेंट की ज़रूरी है. अब नेम में आते हैं, तो नेम में भी पार्ट्स हैं, जैसे लाइक कि फर्स्ट नेम होगा उनका, मिडिल नेम होगा और लास्ट नेम होगा. तो ऑब्वियसली बात है इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा. ठीक, अब पेशेंट पे आता है, तो पेशेंट किससे रिलेट होता है, दैट इज अंडरगोज विद टेस्ट. भाई पेशेंट है तो उसकी तो जांच भी होगी, तो ऑब्वियसली अंडरगोज विद टेस्ट, टेस्ट के साथ अंडरगोज होगा, और उसका फिर एग्जामिनेशन भी होगा. एग्जामिनेशन इन द सेंस कि लास्ट में वो जो टेस्ट हुआ उसके बाद क्या होगा. एग्जामिनेशन का क्या होगा, एग्जाम ID होगा और नेम होगा भाई के किस पेशेंट का नाम है, उसका क्या एग्जामिनेशन है. तो उसके बाद क्या होता है कि अंडरगोज होने के बाद एग्जाम ऑब्जर्वेशन भी होगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो बेटा, अगर एग्जाम ऑब्जर्वेशन होगा उसका फिर टेस्ट क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया. ठीक है, उसके बाद जब ये टेस्ट के अंदर आएगा तो ऑब्वियस है तो उसकी टेस्ट ID होगी, उसका टेस्ट नेम होगा. तो ये ऑब्वियस जब वो टेस्ट ले रहे तो अंडरगोज उसका टाइम भी होगा, उसके बाद आपका डेट भी होगा कि किस टाइम पे हुआ है. ठीक, तो ये आपका ER डायग्राम किसके लिए था, हॉस्पिटल के लिए था. जो भी प्लीज़ चीज़ें नहीं डिस्कस, आपको नहीं समझ में आई हो, मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो पूछ लीजिएगा ER डायग्राम के बेस पे. मैंने हॉस्पिटल का करा दिया, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. और आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एन्जॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.